नमस्ते प्यारे भक्तों, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर हर रोज की तरह बहुत ही मनोहर वातावरण था, अत्यंत आह्लाददायक। शीतल वायु सूरज की किरणों द्वारा बर्फ का पर्वत मानो सोने का लग रहा था। पक्षियों की मधुर आवाजें, झरनों की कलकल, सब कुछ अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। और इन मनमोहक वातावरण में भगवान शंकर ध्यान से अभी अभी जगे हैं। जगन माता पार्वती ने भगवान की पूजा की। नंदी समेत सभी शिवगणों ने अपने प्रभु को प्रणाम किया और अपने अपने कार्य के लिए चले गए। भगवान ने संपूर्ण कैलाश को अपने नेत्रों से निहारा। उसके पश्चात देवी जगदम्बा की ओर देखा। प्रभु ने पहचान लिया कि देवी को कुछ पूछना है। मंद मुस्काते हुए प्रभु ने देवी से पूछा, प्रिय, आज तुम्हारे मन में कैसी उलझन चल रही है, कुछ पूछना चाहती हो? देवी पार्वती ने अपने स्वामी की ओर देखा और कहा, भगवान, आपने सही पहचाना, मेरे मन में प्रश्न है, किंतु आप ध्यान में लीन थे, इसलिए पूछने का धैर्य नहीं कर पाई, किंतु आज और अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। इतना कहकर माता के आंखों से आंसू आने लगे। भगवान शंकर ने माता के आंसू पोंछ कर उन्हें कहा, हे अपर्णे, तुम्हें जो पूछना है निश्चित होकर पूछो। अब देवी निश्चिंत हुई, भगवान को वंदन कर पूछने लगी, हे स्वामी, हे नाथ, आप नित्य दिन जिस परम पवित्र मंत्र का जाप करते हैं उसका उपदेश करें, मुझ पर अनुग्रह करें। यही एक प्रश्न मेरे मन में बारंबार आता है। शिव शंकर ने हंसते हुए गौरी को कहा, देवी, उपदेश का भी वैसा ही है जैसे एक भूखे का एक प्यासे का होता है। भूख लगे बिना और प्यास लगे बिना उसका महत्व समझ में नहीं आता। उसी तरह जिज्ञासा, तृष्णा, बेचैनी ना हो तो उपदेश का पालन नहीं हो पाता। पर अब चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी बेचैनी देखकर आज का दिन उपदेश के लिए अत्यंत फलदायी है ऐसा प्रतीत होता है। किंतु इस उपदेश के लिए एकांतिक स्थान जहां कोई आवाज ना हो, ऐसे निर्जन स्थान जाना होगा। भगवान ने नंदी को आज्ञा करते ही नंदी पर विराजमान होकर शिव पार्वती यमुना नदी के किनारे आए। वहां की रम्यता देखकर भगवान ने नंदी को यहीं पर रुकने की सूचना दी। शिव भवानी सहित पावन यमुना नदी के प्रवाह की ओर बढ़ने लगे। निकट ही एक विशाल वृक्ष था, वहीं पर जगत जन ने पार्वती को संजीवनी मंत्र सिखाकर अद्वैत का बोध हुआ। माता को अपार शांति महसूस हुई। भगवान ने जगदम्बा से पूछा, प्रिय, अब मैंने जो तुम्हें उपदेश किया उसे तुम्हें क्या बोध हुआ, ये मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ। पार्वती देवी कुछ कहने से पहले ही पावन यमुना के जल प्रवाह से आवाज आई के अब तो मैं और तू ऐसा द्वैत भाव ही नहीं रहा। इन आँखों से जो दृश्य देखते हैं या फिर इंद्रियों से जो महसूस करते हैं वो नित्य बदलने वाला है, चंचल है ये सृष्टि। इसमें समाये हुए जीव, वस्तु, रंग, रूप, इन सब में हलचल है, अर्थात परिवर्तन है। ये कुछ भी एक जैसा नहीं रहने वाला, इसलिए इनका अस्तित्व होकर भी ये भ्रम है। किंतु अखंड रस एवं सनातन केवल परब्रह्म ही है, क्योंकि वो ना बदलता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, वो नित्य है। स्वर्ण से बनी हुई वस्तुएं अलग अलग आकार के होते हुए भी उनमें स्वर्ण ही भरा हुआ है, केवल आकार भिन्न है। उसी तरह समस्त चराचर में सूक्ष्म जीव से लेकर प्रत्यक्ष ब्रह्म तक जीवों के शरीर के आकार भिन्न होकर भी उनमें केवल और केवल परब्रह्म भरा हुआ है। आकार भिन्न होते हुए भी सब में एकमेव अद्वितीय ऐसे ब्रह्म तत्व विराजमान है। इसलिए आकार, रूप, रंग बदलने वाला है, ब्रह्म है, किंतु इनमें विराजमान ब्रह्म तत्व सनातन है, अखंड है, एक जैसा है। यही ज्ञान हुआ है पार्वती पते। श्री यमुना के तरंगों से दिव्य वाणी सुनते ही दंपति को आश्चर्य हुआ। देवी ने जिज्ञासा से भगवान को पूछा। शिव जी ने अंतर मन से सत्य देख लिया। प्रभु ने माता से कहा, उपरिचर नाम का एक वसु आकाश मार्ग से जाते समय उर्वशी देवांगना को देख उसमें काम वासना जागृत हुई। उसी नेत्रों से देखते समय उर्वशी अप्सरा अदृश्य हो गई। काम पीड़ित उपरिचर विरह से व्यथित हुआ और उसका वीर्य यमुना नदी में गिरा। नदी में मुक्त विहार करने वाली एक मत्स्य ने भक्ष्य समझकर निगल लिया। वीर्य प्रभाव से वो मत्स्य
गर्भवती होकर उसमें नव नारायणों में से पहले कवि नामक नारायण ने संचार किया है। उसका जन्म होना अभी शेष है। आज जो मैंने तुम्हें उपदेश किया है देवी योग से उसने भी सुन लिया और परिणाम उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। देवी अभी जो वाणी सुनी थी वो उसी की ही है। भगवान शिव ने मत्स्य के उदर में उपस्थित कवि नारायण को कहा, आज मैंने जो यमुना तट पर भवानी को उपदेश किया है वो तुम्हारे परम भाग्य से तुमने प्राप्त किया है। ये एक अपूर्व योग है, इसमें कोई शंका नहीं। तुम्हारा जन्म होने के बाद आज के दिन का और उपदेश का स्मरण कर बद्रिकाश्रम आओ। वहां पर मैं तुम्हें भगवान श्री दत्तात्रेय द्वारा मंत्र उपदेश कराकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। इतना कहकर भगवान शंकर और भवानी की लीला समाप्त हुई, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ का जन्म होने से पहले ये लीला करना अनिवार्य था कि यही पर ही आकर यही मंत्रोपदेश करना था। इसके बाद भगवती भगवान अपने धाम कैलाश पर लौट गए। पहले अध्याय की दूसरी कथा समाप्त। जय श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।